आज मैं बात करने वाला हूँ सिम कार्ड के बारे में। कुछ लोग पूछ रहे थे कि यहाँ पे कौन सा सिम कार्ड का नेटवर्क अच्छे से मिलता है, तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। और मैं हूँ यहाँ पे फिलहाल अल्जीरिया में, और अल्जीरिया में कौन सा इंडियन सिम कार्ड का नेटवर्क अच्छे से मिलेगा, इस बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। हेलो भाई लोग, क्या हाल है? मेरा नाम आसू है, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। बता देता हूँ कि यहाँ पे जो सिम कार्ड अच्छा काम करता है, जो इंडियन सिम कार्ड हुआ है एयरटेल का, एयरटेल का यहाँ पे नेटवर्क अच्छा मिलता है, आपके सारे मैसेजेस कॉल सभी आएंगे। और दूसरा सिम कार्ड कोई लाएंगे तो वहाँ पे उसका नेटवर्क मिलेगा नहीं और वो बंद हो जाएगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो यहाँ पे आते टाइम पे वो लोग सिम कार्ड वहीं पे छोड़ देते हैं घर पे, लेकिन उनका प्रॉब्लम जब होता है जब वो घर पे जाते हैं वो टाइम पे उनको दिल्ली एयरपोर्ट या बॉम्बे कहीं भी उतरने के बाद उनको सिम कार्ड मिलता नहीं है, होता है बहुत लोगों के साथ। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, अगर कोई आता है तो अपना सिम कार्ड लेके आए। उसमें क्या है कि आपको कुछ रिचार्ज करना पड़ेगा तो आपका वो एक्टिवेट रहेगा हमेशा के लिए, वो दिक्कत नहीं है। तो आप अपना सिम कार्ड लेके आए, और इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई लोग। और वीडियो को अच्छा लगे, कुछ इन्फॉर्मेशनल लगे तो लाइक करके जाना। हमारे एक भाई पूछ रहे थे मैकेनिकल इंजीनियर का रिक्वायरमेंट और सैलरी के बारे में, तो वो तो हम लोग बता नहीं सकते यहाँ से, क्योंकि वो हमारा एक ऑफिस है मुंबई में, टाइसन उसका नाम है ऑफिस का, वहाँ से ये पूरी रिक्वायरमेंट और सैलरी का डिसाइड किया जाता है। तो मैं उसका नंबर या जो भी लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से ले जाके आप वहाँ पे पता कर सकते हैं। और इसी तरह की और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। जय हिंद।